फ्रेंड जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको सनातन धर्म के कुछ महान दानवीरों के बारे में बताने वाले हैं। हमारा आज ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, इसीलिए यदि हो सके तो हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। दान करना हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही उच्च कार्य के रूप में होता है। दान वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में सदैव दूसरों की सहायता करने का भाव हो। दान करने से यदि किसी के दान करने से किसी और को सहायता प्राप्त हो रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से वह व्यक्ति खुश हो रहा है। और यदि आप दूसरे को खुशी देते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए क्या हो सकती है। जैसा कि हम सभी को सिखाया जाता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इसीलिए अपने जीवन में यदि आपसे हो सके तो दान अवश्य करें। यदि हो सके तो दान हमेशा जरूरतमंद को ही करें और दान भी सदैव निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। दानवीरों की बात करें और सूर्यपुत्र कर्ण का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महारथी कर्ण अपने काल में बहुत बड़े दानवीर थे। कहा जाता है कि जब महारथी कर्ण भगवान सूर्य की पूजा कर रहे होते थे, तब जो भी व्यक्ति उनसे कुछ भी मांगता था, सूर्यपुत्र कर्ण उस व्यक्ति को अवश्य दान देते थे। सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन स्वर्ण आभूषणों तथा अन्य चीजों का दान दिया करते थे। महारथी कर्ण ने एक बार तो भगवान इंद्र को भी अपने अभेद्य कवच कुंडल दान में दे दिए थे, जो कि कर्ण को भगवान सूर्य से प्राप्त हुए थे उनके जन्म के समय। ये जानते हुए भी कि अपने कवच कुंडल दान में से देने से कर्ण की मृत्यु भी हो सकती है, परंतु उन्होंने अपना कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान में दिया था। यही बात सिद्ध करती है कि सूर्य पुत्र कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। एक बार की बात है, असुर राज महाशक्तिशाली दानव महाराज बलि, जो कि महाशक्तिशाली एवं महापराक्रमी थे, उसी के साथ साथ वे बहुत बड़े दानी भी थे। असुर राज बलि ने जब समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे महाशक्तिशाली हो गए थे, तो उनको इस बात का घमंड हो गया था। वे स्वयं को देवताओं के समान समझने लगे थे और देवताओं के कट्टर विरोधी थे। अभी एक बार शुक्राचार्य जी के साथ एक महायज्ञ कर रहे थे, जिससे उनको अनेकों शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त होने वाली थी। उस यज्ञ में भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार लेकर वहां पे आ गए थे और शुक्राचार्य जी उनको पहचान गए थे। और शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि को उनको कुछ भी दान देने से मना किया था, परंतु महाराज बलि नहीं माने थे। वामन अवतार ने महाराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और महाराज बलि ने वह दे दी। उसी समय वामन अवतार ने 2 पग भूमि में ही संपूर्ण जगत को नाप डाला था। 3रा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची थी, तब स्वयं महाराज बलि ने 3रा पग अपने सर पे रखवा लिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार ने इस बात से प्रसन्न होकर महाराज बलि को यह वरदान दिया था कि वे कलयुग के अंत तक रसातल यानी पाताल लोक के स्वामी रहेंगे। सत्युग के राजा हरिश्चंद्र जी ने एक बार राजसूय यज्ञ करवाया था, जो कि विश्वामित्र जी कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने उस यज्ञ को करने हेतु दक्षिणा मांगी थी। राजा हरिश्चंद्र जी ने उनसे बोला था, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम अपनी पत्नी एवं पुत्रों को छोड़कर मुझे सब कुछ दे दो, जो तुम्हारे पास है सब कुछ दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत ही विश्वामित्र जी को सब कुछ दे दिया था। महाराज हरिश्चंद्र जी ने उनको इतना अधिक दान दिया था जिसकी हम अभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अनेकों नगर, समस्त स्वर्ण मुद्राएं, खजाने, अनाज, गौशाला, अस्त्र शस्त्र, सेना, महल, प्रजा, सब कुछ दान में दे दिया था। विश्वामित्र जी ने दान लेने के पहले यह बोला, दान लेने से पहले दक्षिणा देने जाती है, यदि तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारा दान सफल नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने मंत्री से कहा कि इनको 3 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। तब विश्वामित्र जी ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुमने मुझे अपना सब कुछ दान दे दिया है तो तुम्हारे संपूर्ण राजकोष पर भी मेरा ही अधिकार है, और यदि मेरा अधिकार है तो तुम उसमें से मुझे कुछ नहीं दे सकते हो। तब राजा हरिश्चंद्र जी ने स्वयं को ही शमशान घाट पर बेच दिया था। स्वयं को बेचने से जो धन एकत्रित हुआ, इससे उन्होंने विश्वामित्र जी को दक्षिणा दी। हालांकि विश्वामित्र जी उनकी यह परीक्षा ही ले रहे थे और उन्होंने बाद में सब
कुछ राजा हरिश्चंद्र जी को वापस लौटा दिया था। इस बात से सिद्ध होता है कि राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े दानवीर थे। अनेकों वर्षों पूर्व शिबी नाम के एक महान राजा हुआ करते थे, जो कि बड़े ही दानवीर तथा परोपकारी थे। एक बार एक कबूतर के पीछे एक चील पड़ा हुआ था। वह कबूतर अपने प्राण बचाकर राजा के कक्ष में आ गया था और वहां उसने राजा को देखा। और जब राजा ने उस कबूतर को देखा तो प्यार से उसे सहलाते हुए अपने पास बिठा लिया। और फिर जब चील वहां उस कबूतर का पीछा करते हुए पहुंचा तो चील ने राजा से कहा, आप कृपया मुझे इसे सौंप दे। राजा ने ऐसा कहकर मना कर दिया कि यदि मैं तुमको इसे सौंप दूंगा तो तुम इसको अपना आहार बना लोगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी रक्षा ना करना, मैं पाप का अभागी बनूंगा। इसीलिए राजा शिबी ने कबूतर को चील को देने से मना कर दिया था। और फिर जब चील ने ऐसा कहा कि आप मुझे इसे नहीं सौंपेंगे तो निश्चित ही आप इसके प्राण अवश्य बचा लेंगे। यदि भूख से मेरे प्राण चले गए तो उसका क्या, आप उसके भी पापी अवश्य बनेंगे। राजा ने चील से बोला, इस कबूतर के बदले कुछ भी मांग लो। राजा से कबूतर के बदले चील ने कहा, मुझे इस कबूतर के ही वजन के बराबर मांस चाहिए, वे भी आपके शरीर का। ऐसा कहने पर राजा ने एक तराजू में एक तरफ कबूतर को रखा और एक तरफ अपने शरीर के टुकड़ों को काटना प्रारंभ किया। ये सब चीजें देखकर सभी लोग चकित रह जा रहे थे, परंतु चील की इच्छा थी इसलिए राजा को ऐसा करना पड़ रहा था। तराजू में तोलने के वक्त राजा शिबी ने अपने शरीर के बहुत से अंगों को काटा और तब भी वो कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। इसके पश्चात राजा स्वयं ही कबूतर के वजन को बराबर करने के लिए तराजू में बैठ गए, जिससे तराजू का वजन बराबर हो गया। कुछ क्षणों बाद वहां पे कबूतर और चील को गायब हो गए और उससे अग्निदेव एवं इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। चील और कबूतर के भेष में अग्निदेव एवं इंद्रदेव ही थे। वे राजा शिबी की दानवीरता से अधिक प्रसन्न हुए और उनको वहां आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने शरीर का जितना भी अधिक नुकसान किया था उसको भी उन्होंने सही कर दिया। कथा से ही हमें ये सीख मिलती है कि दानवीरता कितना अच्छा भाव है। और निश्चित रूप से राजा शिबी भी बहुत बड़े दानी थे। महर्षि दधीच जी भी एक बहुत बड़े दानी थे। कैसे, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, वित्रासुर नाम के महाशक्तिशाली दानव ने देवलोक पे आक्रमण कर देवताओं को हराकर उस पे विजय प्राप्त कर ली थी। और उस समय देवराज इंद्र को एक बड़ा ही शक्तिशाली अस्त्र चाहिए था उसको मारने के लिए, परंतु देवराज इंद्र के पास वह अस्त्र नहीं था उस समय। फिर उन्होंने एक शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हेतु ब्रह्मा जी से बात की। ब्रह्मा जी ने उनको यह बताया, एक महातेजस्वी ऋषि है महर्षि दधीच जी, उनकी हड्डियों के अस्थियों से ही एक अस्त्र का निर्माण होगा जो कि महाशक्तिशाली होगा, उसी के द्वारा इस दानव का अंत निश्चित है। फिर देवराज इंद्र डरते डरते महर्षि दधीच जी के पास गए और उनसे इस सारी कथा के बारे में बताया। फिर महर्षि ने अपनी योग माया से अपने आप को भस्म कर लिया और उससे जो राख यानी अस्थियां बची उसके द्वारा देवराज इंद्र जी को एक महाशक्तिशाली अस्त्र की प्राप्ति हुई जो कि वज्र था। वज्र बहुत अधिक शक्तिशाली था और इस वज्र के ही प्रहार से वित्रासुर नाम के एक महाशक्तिशाली दानव का अंत हुआ था। हमारे सनातन धर्म में एक और बड़े दानवीर थे जो कि थे स्वयं बारबरीक। बारबरीक महाशक्तिशाली होने के साथ साथ घटोत्कच के पुत्र तथा भीम के पोते थे और वे महाभारत काल के बहुत बड़े शूरवीर योद्धा थे। शूरवीर बारबरीक जी के पास तीन ऐसे अमोघ बाण थे जिनका उपयोग करते ही वे महाभारत युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। बारबरीक जी ने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वे कमजोर पक्ष से युद्ध करेंगे और निश्चित रूप से जिस पक्ष में श्री कृष्ण हो वो कमजोर कैसे हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण को लगा कि बारबरीक जो है वे कौरव पक्ष से युद्ध कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाकर बारबरीक से दान में उनका सर मांग लिया था ताकि बारबरीक की मृत्यु हो जाए और वे युद्ध में भाग ही ना ले सके। बारबरीक ने भी खुशी खुशी भगवान श्री कृष्ण को अपना सर दान में दे दिया था, परंतु उनसे एक विनती की थी कि वे पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बारबरीक को यह वरदान भी दिया था कि वे संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख सकें। और आज हम बारबरीक जी की पूजा खाटू श्याम जी के नाम से करते हैं, जो कि खाटू श्याम के मंदिर भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध है।
और हाँ मित्रों, जो भी खाटू श्याम दरबार जाता है खाटू श्याम जी का दीवाना हो जाता है। तो मित्रों प्रेम से बोले जय श्री श्याम। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे घंटे को भी बजा दे, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तब के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।